बस हो गई, सेव करनी पड़ेगी। आंखें बंद रखें, पीछे जो लोग खड़े हैं वो कृपया करके बैठ जाएं, जो पीछे खड़े हो आपसे अनुरोध है कि बैठ जाएं। बस दो तीन लोग ही खड़े रहेंगे जिनको कर और देखने हैं, और सभी लोग आंखें बंद करके स्थानांतरण उठाएं, हाथ बंद करके आत्म स्थित होइए। अगले तीन बार हम ऊपर उच्चारण करने जा रहे हैं, तो हृदय चक्र पर ध्यान रखिए, छाती के बीचों बीच मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी में इसकी वाइब्रेशंस को फील करेंगे। मिड स्टर्नम ध्यान रखें, मतलब छाती के ठीक बीचों बीच, और मध्य भाग में ऊपर उच्चारण फील करेंगे। आंखें बंद, आंखें कोमल तक के साथ बंद रखिए, शरीर ढीला। आंखें बंद, सारा ध्यान भीतर की ओर, आत्मस्थित होइए। शरीर में तो रोज जीते हैं, अभी शरीर से हट के थोड़ा सा कोशिश करना है। सांस को लंबा गहरा रखें, आंखें बंद रखें, स्पाइन स्ट्रेट रखें, और अपने में खो जाइए पूरी तरह से। लास्ट अंगूठा और पहली उंगली को मिलाकर रखें, ज्ञान मुद्रा। अगला हम मां का उच्चारण करेंगे तीन बार, तो माथे के बीचों बीच आगे चक्र पर ध्यान स्थित करें, ज्ञान मुद्रा बना के रखें, सांस को गहरा लंबा रखें, इसकी वाइब्रेशंस पैदा होंगे, उन वाइब्रेशंस को आप आगे चक्र पर फील कीजिए और पूरे हेड रीजन में उसका आनंद उठाइए। एंजॉय। तीन बार ओम का उच्चारण, पूरे शरीर में वाइब्रेशंस को फील कीजिए। आंखें बंद, गहरा लंबा सांस। आगे प्रोटोकॉल को कंटिन्यू करते हुए मैं प्रतीक सर से बोलूंगा, आगे वो बोलिए। थैंक यू सर।
करते हैं आज का योग अभ्यास। सभी लोग खड़े हो जाएं। सबसे पहला सूक्ष्म व्यायाम है ग्रीवा संचालन। दोनों हाथ कमर पे रख लें, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। अब सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से टच करने का प्रयास करें, गर्दन नीचे लाएं। इसी प्रकार से फिर से एक बार ऊपर ले जाएं, अप, सांस छोड़कर नीचे लाएं, डाउन, फिर से एक बार अप। 5 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास करने से सर्वाइकल जैसी समस्याएं दूर होती हैं, और जो इसका रोज अभ्यास करते हैं उन्हें कभी सर्वाइकल की समस्या होती ही नहीं है। रिलैक्स। ग्रीवा संचालन का दूसरा अभ्यास, श्वास छोड़ के बाईं ओर देखेंगे, लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएं। सांस भरते हुए फिर सीधा कर लें, सामने देखें। इसी प्रकार सांस छोड़ते हुए राइट साइड ले जाएं, फिर सांस भरते हुए वापस ले आएं, सामने देखें। एक बार फिर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट ले जाएं, लेफ्ट साइड में देखेंगे। सांस भरते हुए सीधे सामने देखें, फिर से सांस छोड़ते हुए राइट साइड, और सांस भरते हुए फिर से सीधे हो जाए, सामने देखेंगे। रिलैक्स। अगला जो संधि संचालन का अभ्यास है वो है स्कंद संचालन, शोल्डर मूवमेंट। दोनों हाथ साइडों में खोल लें, हथेलियां आसमान की तरफ, उंगली बंद करेंगे, अंगूठे को कंधे से टच कर लें, कोहनियों से मोड़ते हुए हाथों को। अब कोहनियों को मिलाते हुए सामने की तरफ से घुमाएंगे क्लॉकवाइज। जो ये योग के अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, विद्यार्थी, वो ठीक करवाते रहें सबका, कोई गलत ना करे, ध्यान रखें। आराम आराम से करना है, 10 टाइम क्लॉकवाइज, फिर 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। प्रयास करें आपकी कोहनियां आपस में टच अवश्य हो, और जितना पीछे तक ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करें। अब इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उल्टा। इस अभ्यास से कंधों का दर्द और सर्वाइकल पेन में आराम मिलता है। आसान सा अभ्यास रोज किया जा सकता है, सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। रिलैक्स। वापस आएंगे। अगला अभ्यास कटी चक्रासन का है, ट्रंक मूवमेंट। एक हाथ को कंधे पर रखें, लेफ्ट हैंड को राइट कंधे पर रखें, सामने से, और दूसरे हाथ को कमर पर रखें, पीछे की तरफ घूम जाएं कमर से, जितना घूम सकते हैं पीछे की ओर। और अगर आप लेफ्ट साइड मुड़े हैं तो राइट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें, अगर राइट साइड मुड़े हैं तो लेफ्ट पैर की एड़ी को। इसी प्रकार बदलते रहें, एक बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। ये जिनकी ड्यूटी है ठीक करवाने की आसन को, वो आगे आए और आसन ठीक करवाएं सबके। करते रहें कंटिन्यू, रुकना नहीं है इसमें। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। अगला आसन है घुटनों के लिए। अभी मेरे से कोई पूछ भी रहा था घुटनों के लिए, अभी हम करेंगे उत्कट आसन। दोनों हाथ सामने निकाल लें, पैरों में कंधों जितना डिस्टेंस ले लें, एड़ियों को ऊपर उठा लें,
अब कमर सीधी रखते हुए नीचे बैठना है, डाउन जाएंगे, बैठे, इतना बैठे कि आपका हैमस्ट्रिंग मसल धरती के पैरेलल हो जाए, पूरा नहीं बैठना है, और फिर वापस अप डाउन अप डाउन अप, कमर सीधी रखनी है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ओके रिलैक्स। ये घुटनों के लिए, जिनको भी घुटनों में स्टिफनेस आ गई है उसको दूर करता है ये आसन। अब योग अभ्यास आरंभ करते हैं। अगला पहला आसन जो है वह है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं, दोनों हाथ साइडों से ऊपर ले जाएं, दोनों उंगलियां आपस में मिलाएं, हथेलियां आसमान की तरफ, पेट को अंदर खींचेंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, जितना अपने आप को ऊपर खींच सकते हैं खींचे और होल्ड कर लें। इससे आपकी कमर में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होती हैं, इवन स्काइलोसिस जैसी समस्या भी इससे दूर होती है। कमर में लचीलापन आता है, बच्चों की हाइट इससे बढ़ती है, क्योंकि माना जाता है कि जो हाइट है वो रीढ़ की हड्डी पर डिपेंड करती है, जब वो फैलेगी तो लंबाई बढ़ेगी, ऐसा माना जाता है। रिलैक्स, वापिस आ जाएं, जिस प्रकार जाते हैं उसी प्रकार आसन में वापिस आएंगे। अगला आसन वृक्षासन। एक पैर, लेफ्ट पैर को उठाएं, राइट थाई पर रख लें, दोनों हाथ साइडों से ऊपर उठा लें, और जितना अपने आप को ऊपर की ओर खींच सकते हैं खींच कर दोनों हाथों को जोड़ दें। बैलेंसिंग अभ्यास, बैलेंस, ये बैलेंसिंग पोज है, मन की चंचलता को दूर करता है, मन में एकाग्रता लाता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये, उन्हें इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। बैलेंस बनाने के लिए किसी एक पॉइंट पर अपनी नजर को टिका लीजिए तो बैलेंस बन जाता है। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इसी आसन को दूसरी तरफ से करेंगे। अब दूसरे पैर को उठाएं और थाई पर रख लें, दोनों हाथ साइडों से ऊपर ले जाएं, जोड़ दें दोनों हाथों को, और जितना अपने आप को ऊपर खींच सकते हैं खींचें, और बैलेंस बनाने का प्रयास करें, कोशिश करें कि किसी भी तरह की कोई मूवमेंट न रहे शरीर में। न्यूरो मसल कोऑर्डिनेशन बढ़िया होता है इससे। रिलैक्स, वापिस आ जाए। अगला आसन है पादपासन। दोनों हाथ साइडों से ऊपर उठा लें। जो अभ्यर्थी रोज कर रहे थे वो पैर को जोड़ सकते हैं, और बैलेंस बनाने के लिए पैरों में थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, अब साथ छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को जमीन से टच करने का प्रयास करें। बच्चे सामने कर रहे हैं उसको देख करके प्रयास करें, आपका सर आपके घुटनों को टच करे, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना जा पाए उतना ही नीचे जाना है, घुटनों को सीधा रखना है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापिस आ जाएं, दोनों हाथ ऊपर लाएं और साइडों से हाथों को नीचे ले आएं, रिलैक्स हो जाएं, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। जिनको बैक पेन है वो आगे झुकने वाला अभ्यास। अगला आसन करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथ कमर पे रखें, दोनों हाथ कमर पे रखें, लंबा गहरा सांस लें, और सांस भरते हुए कमर से पीछे की ओर मुड़ना है, जितना अधिक से अधिक मुड़ पाएं, मुड़कर होल्ड कर लें, 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है। घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, कमर दर्द, साइटिका, सर्वाइकल, उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। जिनको चक्कर वगैरह आते हो वो ना करें। धीरे धीरे वापिस आ जाए, रिलैक्स। और दोनों, अगला आसन त्रिकोण आसन। दोनों पाँव में 2 से 2.5 फीट का गैप ले लें, दोनों हाथ साइडों में फैला लें, कमर से लेफ्ट साइड मुड़ जाएं, लेफ्ट हैंड से राइट पाँव को टच करें, जो हाथ ऊपर है उसकी हथेली को देखने का प्रयास करें,
ये जो अभ्यर्थी हैं वो ठीक नहीं करवा पा रहे हैं आसन, सबके ठीक करवाने का प्रयास कर रहे हो, होल्ड करेंगे, अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएं। ऐसे ही अब दूसरी साइड करना है, दोनों हाथ फैलाएं साइडों में, घूमे कमर से, अब राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करें और ऊपर वाले हाथ के मिडल फिंगर को देखने का प्रयास करें, घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। रिलैक्स, बैठ जाएंगे, अगले आसन बैठकर करने वाले हैं, दंडासन में बैठे, दोनों पैरों को सामने निकाल लें, पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों से पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं, पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों से पैरों को पकड़कर जितना पीछे खींच सकते हैं खींचें और प्रयास करें आपके घुटने जमीन से टच करें। बटरफ्लाई नहीं करनी है सर, शुरू हो गया पहले, नहीं बटरफ्लाई नहीं करनी आप, कोशिश, ये भद्रासन है, कोशिश करें आपके घुटने जमीन से टच कर जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें बिल्कुल। एक चीज का और ध्यान रखें, सब अपने कंफर्टेबल जोन में करेंगे, घुटने टच करने के लिए तो ऐसे करने पड़ेगी, जबरदस्ती ना करें। ओके, रिलैक्स, अब धीरे धीरे वापस आएंगे, एक पैर को पीछे मोड़ लें, फिर दूसरे को वज्रासन में आ जाए, वज्रासन में आए, जिनको घुटनों में दर्द है वो जो नहीं कर पाएंगे इसे वो नॉर्मली बैठ सकते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, आंखें कोमलता के साथ बंद करें, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अभी तक के योग अभ्यास से जो भी खिंचाव तनाव आपके शरीर पर हुआ है उसे महसूस करें, अपने बॉडी पार्ट्स पर कंसंट्रेट करें, अपनी सांसों पर, वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के बाद किया जा सकता है, भोजन करने के तुरंत बाद वज्रासन किया जा सकता है और करना चाहिए, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करता है, वज्र नाड़ी को मजबूत करता है। रिलैक्स, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, अगला आसन अर्ध उष्ट्रासन, दोनों हाथ कमर पर रखें, सांस भरते हुए कमर से पीछे की ओर मुड़ना है, गर्दन को पीछे मोड़ दें जितना मोड़ सकते हैं, होल्ड कीजिए, साइटिका के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये और नित्य अभ्यास करने वाले को साइटिका जैसा रोग होता ही नहीं है। रिलैक्स, वापिस आ जाएं, अब करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन, एक हाथ को मोड़ें, पैर के तलवे को पकड़ लें घुमाते हुए, पूरा हाथ पीछे ले जाइए ऐसे, फिर दूसरे हाथ को ले जाएं, दोनों एक साथ नहीं ले जाएं, जो जितना जा सकता है पीछे जाए, अगर हाथ नहीं भी टच हो पा रहे हैं तो भी जितना मुड़ सकता है पीछे की ओर मुड़ कर रुक जाए, होल्ड करें, प्रयास करें सभी योग अभ्यास में नियमित हो जाएं। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, योग अभ्यास में हंसना और बातें करना मना है, बातें नहीं करो, कोई अपना काम आप लोग देखते रहो सबको, है ना। ओके, रिलैक्स, वापिस आ जाए, बैठ जाए वज्रासन में, घुटनों को थोड़ा खोल लेंगे, घुटनों को खोल लें, दोनों घुटनों में गैप कर लें जितना कर सकते हैं, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन से टच कर दें, आजकल माइग्रेन की समस्या बहुत लोगों को है, यह आसन माइग्रेन जैसे रोग को दूर करता है, माइग्रेन के रोगियों के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है। घुटनों में फासला कर ले, फासला घुटनों में, बीच के घुटने जो बहुत गहरे होते हैं, उसमें क्या होगा, आगे झुकने में आसानी मिलेगी, मदद मिलेगी। रिलैक्स, वापिस आ जाए,
इसी प्रकार से अब एक हाथ को अपनी कमर पर रख लें, ऊपर से ही करेंगे, एक हाथ पीछे ले जाएं, फिर दूसरा ले जाएं, जितना हाथों को पीछे खींच सकते हैं खींचे, ओके रिलैक्स, वापिस आ जाए, दोनों पैरों को सामने फैला ले, करेंगे वक्रासन, एक पैर को पीछे मोड़ लें, जिस पैर को पीछे मोड़ा है उस हाथ को पीछे रख लें, बढ़िया, सो नाइस, और दूसरे हाथ से घुटने पर लपेट लगाते हुए अपने पैर को पकड़ने का प्रयास करें, ये ठीक करवाएं, वक्रासन, ये जो रोज योग अभ्यास नहीं करते हैं उनका आसन नहीं लग पा रहा है, पर कोई बात नहीं, ये आसन शुगर के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है, मधुमेह रोग को शांत कर सकता है, और जो इसका नित्य अभ्यास करते हैं उनके पैनक्रियाज की मसाज होती रहती है और उन्हें मधुमेह रोग होता ही नहीं है। ओके रिलैक्स, वापिस आ जाए, आप दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरे पैर को मोड़े, दूसरी तरफ से करें, दूसरे पैर से, जबरदस्ती नहीं करनी है, योग में कोई जबरदस्ती नहीं होती है, जितना आप आसानी से कर पाए करें, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब दाई करवट लेकर पेट के बल लेट जाएंगे, लेट जाएं, पेट के बल, पेट के बल लेटेंगे, पेट के, और सर सब सर इधर की तरफ करो, सब लोग मेरी तरफ कर लें, प्यास करें, सबका सर मेरी तरफ हो, पैरों के पंजे को बाहर की तरफ, पैरों के पंजे बाहर की तरफ, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, हथेलियों के ऊपर चिन को रख लें, आपको दिखता रहेगा, आंखें कोमलता के साथ बंद कर लें, भूल गए कैमरा भी लग रहा है आपको, आंखें कोमलता के साथ बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कहीं पर कोई तनाव खिंचाव नहीं रहेगा, बिल्कुल रिलैक्स, अभी तक की एक्सरसाइज से जो भी खिंचाव और तनाव हुआ है उसे महसूस करें अपने बॉडी पार्ट्स पर, यह आसन ऐसा है कि इसमें लेट कर आप टीवी भी देख सकते हैं, नहीं टीवी बैठ के देखना, वैसे मेरी सलाह है जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो इसी प्रकार लेट कर टीवी देखे तो उन्हें लाभ मिलेगा। ओके रिलैक्स,
उठना नहीं है, लेटे रहें, लेटे रहें, पैरों के पंजों को पीछे की ओर फ्लैट कर लें, दोनों हाथ कंधों के पास ले आए, कंधों के बराबर में रखने हैं दोनों हाथ, सामने से उठेंगे नाभि तक, भुजंगासन सामने देखें, कोशिश करें अपने गर्दन को जितना पीछे ले जा पाए ले जाएं, ये पंजे फ्लैट कर ले पीछे की ओर, पैरों के पंजे पीछे की ओर फ्लैट, आसमान की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरह की कमर दर्द को भुजंगासन ठीक करता है, कमर में लचीलापन लाता है। जैसे कोबरा की कमर लचीली होती है, वैसे ही कमर लचीली हो जाती है इस योगासन को करने से। ओके, रिलैक्स, धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। अगला आसन शलभासन, दोनों हाथ थाइस के नीचे ले जाएं, चिन को जमीन से टच कर लें, दोनों पैरों को घुटने सीधे रखते हुए ऊपर उठाएंगे जितना ऊपर उठा पाए। कोशिश कीजिएगा घुटने ही रहे, घुटने न मुड़े, बिल्कुल पैर सीधे रखते हुए होल्ड कर लें। शलभासन ग्रास से ऊपर पोल, इससे साइटिका जैसा रोग ठीक हो जाता है। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पर जमी हुई चर्बी खत्म होती है। ओके, रिलैक्स, वापिस आ जाएं। अब बाई करवट लेकर कमर के बल आ जाएं। लेफ्ट साइड से घुटनों को मोड़ लें, घुटनों को मोड़ कर कमर को ऊपर उठा लें, सेतु बंद। अगला आसन सेतु बंद, घुटनों को मोड़ कर कमर को उठाना है। ये योग विद्यार्थी सबका ठीक करवाएं, सब पवन मुक्त आसन कर रहे हैं, देखें कमर को ऊपर उठाए। हाँ, ये कमर दर्द को ठीक करने वाला सेतु बंद आसन, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पर जमी हुई चर्बी इससे कम होती है, वेस्ट कम होती है, इसका रोज अभ्यास करना चाहिए जो फिटनेस प्रेमी है। ओके, रिलैक्स, वापिस आ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, दोनों हथेलियां जमीन पर रखें, लंबी गहरी सांस भरें और दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठा लें, घुटने सीधे रखते हुए उत्तान पाद आसन। देखें तब 30 डिग्री ही उठाएं, ज्यादा नहीं, 30 वो नीचे करो, वो नीचे। ये अभ्यास आपके एब्डोमिनल मसल को मजबूत करता है, नेवल डिसऑर्डर को ठीक करता है। अगर आपकी नाभि अपने स्थान से हिल जाती है तो इस आसन का अभ्यास करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। सर्व दर्द वाले को नहीं करना चाहिए जिसको अपने पेट पर जमी हुई चर्बी कम करनी हो, वो इसका रोज अभ्यास करके एब्डोमिनल मसल को मजबूत कर सकता है। रिलैक्स। अगला आसन अर्धहलासन, आप दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाना है, सांस भरिए, पेट को अंदर खींचिए और दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठा लें, पैरों के पंजे ऊपर की ओर रखें, घुटने सीधे रखें। अर्धहलासन, ये भी पेट पर जमी हुई चर्बी को कम करता है, एब्डोमिनल मसल को मजबूत करता है, इसका रोज अभ्यास करना चाहिए। ओके, रिलैक्स, धीरे धीरे वापिस आ जाएं। आप दोनों घुटनों को मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े और चिन से टच कर दें, पवन मुक्त आसन। ये गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं को दूर करने में लाभदायक है।
रोज अभ्यास करने लायक है। बढ़िया सुंदर आराम कितना हो जाएगा आराम। अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना होता है। रिलैक्स आराम से वापिस आ जाए। जाएंगे शवासन में। रिलैक्स हो जाओ रिलैक्स। शवासन में जाएंगे दोनों पैरों के पंजे में 1 से 1.5 फीट का फासला। पैरों के पंजे बाहर की ओर, हथेलियां आधी खुली हुई आसमान की ओर, आंखें कोमलता के साथ बंद, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं पर कोई तनाव खिंचाव दबाव नहीं होना चाहिए। अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। हाथ नीचे की तरफ ले लेंगे। अब अपने चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी बॉडी पर घुमाना है। सबसे पहले लेफ्ट पैर के अंगूठे पर अपने ध्यान को ले जाएं और वहां पर योग अभ्यास से जो भी खींचा हो तना हुआ उसे महसूस करें। इसी प्रकार लेफ्ट पैर की उंगलियां, लेफ्ट पैर का टखना, लेफ्ट घुटना, लेफ्ट थाई, अब राइट पैर का अंगूठा, राइट पैर की उंगलियां, राइट पैर का टखना महसूस करते चले जाइए, राइट पैर का घुटना, राइट थाई, इस प्रकार से अब ऊपर आएंगे। लेफ्ट हाथ का अंगूठा, लेफ्ट हाथ की उंगलियां, लेफ्ट कोहनी और लेफ्ट कंधा, राइट हाथ का अंगूठा, राइट हाथ की उंगलियां, राइट हाथ की कोहनी, राइट कंधा। अपनी कॉन्शियसनेस को अब अपने पेट पर ले जाइए, अपनी चेतना को वहां पर। अभी तक की एक्सरसाइज से जो भी खिंचाव तनाव हुआ है उसे महसूस करें। अपनी चेस्ट पर लाएं, अपनी चेतना को वहां पर जो भी खिंचाव तनाव हुआ है उसे महसूस करें। अपनी गर्दन पर अपनी चेतना को लाएं, वहां पर जो खिंचाव हुआ है उसे महसूस करें। अपने चेहरे का ध्यान करें, आंख नाक कान मुंह। अब अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क में ले जाएं। जितने भी नेगेटिव विचार आपके दिमाग में हैं, उनको श्वास के साथ शरीर से बाहर निकाल दें। भावना करें कि आपका मस्तिष्क बिल्कुल विचारहीन है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कचरा रूपी विचार शेष नहीं है। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले पैरों की उंगलियों में हरकत, हाथों की उंगलियों में हरकत, दोनों पैरों को समीप ले आए, दोनों हाथों को आपस में रब करें, हथेलियां आंखों पर रखें और आंखें झपकते हुए खोल लें। अब लेफ्ट साइड से खड़े होकर बैठ जाएंगे किसी भी सुखासन में, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आप आसानी से बैठ पाए। स्टार्ट करेंगे कपालभाति। कपालभाति में सांस को झटके के साथ बाहर निकालना है नाक के द्वारा, और जैसे ही सांस को बाहर फेंका जाएगा पेट को अंदर खींचा जाएगा।
ये कॉम्बिनेशन बनाना है अपने सांस बाहर पेट अंदर और फिर से कर सकते हैं करें। जो जिन्होंने पहले नहीं किया है वो आराम से ध्यान के साथ करें कि सांस को बाहर फेंकें और पेट को अंदर खींचें। साधारण सा अभ्यास है, बहुत अधिक परिश्रम नहीं है। सांस को बाहर फेंकें, पेट को अंदर खींचें। आंखें बंद रखें, महसूस करें कि आप जब सांस को बाहर फेंक रहे हैं तो आपके मस्तिष्क को टच कर रही है और वहां पर जितना भी कफ रूपी गंध जमा हुआ है वो आपकी सांस के साथ बाहर जा रहा है, उसे भी महसूस करना है। आंखें बंद रखें और महसूस करें कपालभाति। पाठ भी सुनते रहें और करते भी रहें, रुकना नहीं है किसी। कम से कम 100 शॉट आज लगाने हैं कपालभाति के। जिनको बीपी की बहुत ज्यादा समस्या है वो भी कर सकता है, आज के दिन छूट है, आगे शीतली प्राणायाम से ठीक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपालभाति में अक्सर एक मिथ देखने में आता है, लोग सोचते हैं कपालभाति से पेट कम होता है, ये पेट की एक्सरसाइज नहीं होती है, ये आपके कपाल की एक्सरसाइज है, मस्तिष्क की एक्सरसाइज है, कफजन्य रोगों को दूर करने की एक थेरेपी है, एक क्रिया है। ये प्राणायाम भी नहीं है, षटकर्म है। ये भी अक्सर आप लोग सुनते हैं कि कपालभाति प्राणायाम कर लें, ये